नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसको पुलिस कस्टडी या शॉर्ट में पीसी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है तब कि उसको पीसी में रखा गया है या पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पुलिस कस्टडी के दौरान किसी व्यक्ति को थाने के अंदर रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको अन्यथा पुलिस कस्टडी में लिया जाता है तो पुलिस कितने समय तक, कितने दिन तक उसे अपनी कस्टडी में रख सकती है, इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 57 में प्रोविजन किया गया है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है या पूछताछ के लिए लाती है तो ऐसी स्थिति में उसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। कई बार पुलिस धारा 151 के तहत भी किसी को गिरफ्तार करती है। अगर पुलिस को ये डाउट हो कि संज्ञेय अपराध में कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं, इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहा जाता है, जिनमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। और जब अपराध किया नहीं गया है, केवल अपराध करने का डाउट है, जैसे रात को 2 बजे कोई व्यक्ति संदिग्ध हालत में सड़क पर घूमता हुआ पाया जाए तो पुलिस को लगता है कि ये चोरी कर सकता है, चोरी एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रिवेंटिव कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लेती है। और ये प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस धारा 151 सीआरपीसी के तहत करती है। तो भले ही किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया हो या किसी अपराध के आरोप में मुलजिम मानते हुए गिरफ्तार किया गया हो, दोनों ही परिस्थिति में उसे 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकती है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है या उसको ज्यादा समय तक किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में रखना है, उससे कोई पूछताछ करनी है, तो ऐसी अवस्था में पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और मजिस्ट्रेट से वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। पुलिस कस्टडी रिमांड जब मजिस्ट्रेट से मांगा जाता है तो मजिस्ट्रेट उसकी बहस सुनेगा और इसमें पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को और मुलजिम, तीनों पक्षों को सुना जाएगा। मुलजिम की तरफ से मुलजिम खुद अपनी सुनवाई कर सकता है, करवा सकता है, अपनी बहस कर सकता है, या उसके कोई वकील हैं तो वो बहस कर सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है कि वो पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मुलजिम की सुनवाई करेगा, मुलजिम से भी पूछेगा कि क्यों उसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं दिया जाए। पुलिस ये बताती है कि उससे किसी अपराध के बारे में और पूछताछ करनी है, अपराध का सोर्स पता करना है, या कई बार कोई हथियार की बरामदगी करनी है, कई बार कोई व्हीकल अपराध में प्रयुक्त हुआ होता है तो उस व्हीकल की बरामदगी करनी होती है, कई बार कपड़ों की जब्ती करनी होती है या घटना स्थल का नक्शा तस्दीक करवाना होता है। तो पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कई परिस्थितियां होती हैं जब पुलिस को उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उसे पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए होता है। तो मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे तर्क रखे जाते हैं, मजिस्ट्रेट बहस सुनते हैं और इसके बाद केस डायरी का अवलोकन करते हैं, उनके तर्कों पर विचार करते हैं और तब पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है। अब सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट कितने दिन का पुलिस रिमांड अधिकतम दे सकते हैं। इस बारे में धारा 167 सीआरपीसी प्रोविजन करती है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने जब मुलजिम को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो वे अधिकतम 15 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दे सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट इसको लगातार 15 दिन का रिमांड नहीं देते हैं, पुलिस रिमांड नहीं देते हैं। मजिस्ट्रेट 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे टुकड़ों में रिमांड को देते हैं ताकि वो बार बार इस बात का रिव्यू कर सकें कि पुलिस ने कहीं अनावश्यक तो उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखा हुआ है। मजिस्ट्रेट ऐसा क्यों करते हैं कि उनको बार बार रिव्यू की आवश्यकता पड़े या बार बार मजिस्ट्रेट को पुलिस रिमांड के लिए सुनना पड़े, इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? इसका कारण है पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा प्राधिकृत
प्रोसीजर के बिना उसकी प्राण और दैहिक स्वाधीनता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी पर्सनल लिबर्टी, हमारा संविधान कहता है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इंडिविजुअल लिबर्टी ये हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा भी उतने ही महत्वपूर्ण है कि समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी जाए, ऐसा ना हो कि अपराधी अपराध करें और खुलेआम घूमते रहें। तो न्यायालय के पास, मजिस्ट्रेट के सामने ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक तरफ वह किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करे, उसके स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करे, तो दूसरी तरफ वह सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखे। तो न्यायालय बैलेंस बनाकर उनको चलना होता है और ये अधिकार न्यायालयों के पास, मजिस्ट्रेट के पास दिया हुआ है कि वे पुलिस की पावर को चेक करते रहें। तो इसलिए पुलिस रिमांड जब भी दिया जाता है तो बड़े इसकी सुनवाई, सभी पक्षों से उसकी सुनवाई होती है, उनसे उनके तर्क सुने जाते हैं। तो ये तो पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ। पुलिस कस्टडी रिमांड में एक सीधा 2-5 लाइन का ऑर्डर लिखवा कर मुलजिम को वापस पुलिस का जो अनुसंधान अधिकारी होता है उसे ही सौंप दिया जाता है और वो वापस उसे थाने ले जाता है। जब भी मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करते हैं तो उस स्थिति में उसका वारंट नहीं बनता है। कई बार जब इसकी चर्चा होती है तो ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में देखा गया है कि वो ये पूछते हैं कि क्या जब पुलिस कस्टडी रिमांड अधिकृत किया जाता है, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपा जाता है, तो क्या उसका वारंट बनता है? इसका उत्तर है नहीं, उसका वारंट नहीं बनता है। एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही वो वापस उस अनुसंधान अधिकारी की अभिरक्षा में सौंप दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी की। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जुडिशियल कस्टडी के दौरान मुलजिम को न्यायालय की अभिरक्षा में ले लिया जाता है, यानी जुडिशियल कस्टडी यानी जेसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेसी। तो जब भी पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड को प्राधिकृत कराने आती है तो न्यायालय के पास ये ऑप्शन होता है कि वह उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपे या जुडिशियल कस्टडी रिमांड में ले ले। अधिकतम अगर 15 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हो चुका है तो उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में और आगे नहीं प्राधिकृत किया जाएगा, आगे पीसी में नहीं दिया जाएगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और इस जुडिशियल कस्टडी के दौरान मुलजिम को जेल में रखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी कितने दिन तक प्राधिकृत की जा सकती है और अधिकतम कितने दिन तक किसी व्यक्ति को, किसी मुलजिम को जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इस बात का जवाब भी हमको धारा 167 के तहत मिलता है। इस बात को समझने के लिए हम इस को दो लेवल में बांटते हैं। पहला प्री चालान का लेवल यानी इन्वेस्टिगेशन का दौर और दूसरा है पोस्ट चालान यानी विचारण का दौर। तो इस बात को मैं दो भागों में बांटकर आपसे चर्चा करूंगी। पहला प्री चालान यानी चालान पेश नहीं हुआ है और मुलजिम जेल में है, चालान पेश नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसका अधिकतम कितने दिन का रिमांड प्राधिकृत कर सकता है। इसमें पहले तो एक चीज ये समझने की है कि धारा 167(2) ये कहती है कि एक बार में भले ही जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो, मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा की अवधि को प्राधिकृत नहीं करेगा। यानी एक बार में जुडिशियल कस्टडी भी मजिस्ट्रेट कितने दिन की दे सकता है? 15 दिन। वो बार बार इसको बढ़ाता रहेगा, 15 दिन 15 दिन 15 दिन, लेकिन एक बार में वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक महीना एक साथ बढ़ा दे। अब हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न और होता है कि सेशन कोर्ट की इस बारे में क्या पावर है। तो अगर आप धारा 167(2) को ध्यान से पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा 167 का सब क्लोज 2, इसमें शब्द लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट, यानी 15 दिन का रिमांड बढ़ाने की पावर, 15 दिन तक का रिमांड बढ़ाने की पावर मजिस्ट्रेट को है। यानी मजिस्ट्रेट अधिकतम एक बार में 15 दिन का रिमांड बढ़ा सकता है। इसमें कोर्ट शब्द यूज नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है
कि जब मुलजिम सेशन कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है तो उसका रिमांड 15 दिन से अधिक बढ़ाया जा सकता है और एक ही बार में बढ़ाया जा सकता है। तो सेशन कोर्टों में ये होता है कि मुलजिम को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का रिमांड एक साथ ही बढ़ा दिया जाता है, वहाँ 15 दिन का राइडर लागू नहीं होता है। तो ये बात आपको समझने की है और ध्यान रखने की है। अब हम वापस प्री चालान स्टेज और पोस्ट चालान स्टेज पर चलते हैं। प्री चालान स्टेज में भी मुकदमों के बंटवारे के हिसाब से इस बात को हम दो बार में चर्चा करेंगे कि अगर मुलजिम पर किसी 10 साल तक की सजा वाले धारा का आरोप है या 10 साल से कम की सजा वाले धारा का आरोप है तो उसे अधिकतम 60 दिन से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी रिमांड में नहीं रखा जा सकता। यानी चालान पेश नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान की बात हो रही है तो 60 दिन से ज्यादा उसका रिमांड प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। 15 दिन एक बार में, 15 दिन कुल मिलाकर 60 दिन। और अगर उस मुलजिम पर 10 साल से अधिक सजा वाले अपराध का आरोप है या डेथ पेनल्टी से दंडित है, दंडित किया गया है, मतलब उसमें धारा में आरोप है या उसमें LI का प्रोविजन है, तो ऐसी स्थिति में 90 दिन से ज्यादा का कुल मिलाकर जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को 60 दिन या 90 दिन में अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना होगा। यदि मुलजिम पर 10 साल तक की सजा या इससे कम की सजा वाले मामलों में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है तो उस अवस्था में 60 दिन में चालान न्यायालय में पेश करना जरूरी है, अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना जरूरी है। और अगर मुलजिम पर ऐसी कोई धारा का आरोप है जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सजा है या LI का प्रावधान है या डेथ पेनल्टी का प्रावधान है तो पुलिस के पास अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 90 दिन है। 90 दिन में उसे चालान पेश करना पड़ेगा। अगर इस प्रेस्क्राइब्ड अवधि 60 दिन या 90 दिन में पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है तो मुलजिम के पास ये अधिकार उत्पन्न हो जाएगा कि वह न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करे और ऐसी स्थिति में ये मैंडेटरी होगा कि न्यायालय उसको जमानत पर छोड़े। ये बात अलग है कि न्यायालय अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख सकता है और अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुलजिम का तो अधिकार उत्पन्न हो जाएगा कि उसे जमानत पर छोड़ा जाए। अब हम पोस्ट चालान की चर्चा करते हैं। मान लीजिए पुलिस ने जैसी भी प्रेस्क्राइब्ड अवधि है 60 दिन या 90 दिन उसमें चालान पेश कर दिया है और मामला अब न्यायालय में आ चुका है तो ऐसी स्थिति में मुलजिम को कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, उसे कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है? तो इस बारे में कहीं कोई राइडर नहीं है कि मुलजिम कितने भी दिन तक जेल में रह सकता है। लेकिन अब एक धारा 436A नई जोड़ी गई है। ये 436A 2005 में जोड़ी गई है और इस धारा में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर मुलजिम पर ऐसी किसी मामले का आरोप है जो डेथ पेनल्टी से अलावा है, यानी डेथ पेनल्टी वाले मामले एक तरफ किए गए हैं और LI या 14 साल तक की सजा या 10 साल तक की सजा वाले मामले अलग किए गए हैं, तो दो ग्रुप में इसको बांटा गया है, एक तरफ डेथ पेनल्टी वाले प्रोविजन वाले अपराध और दूसरे डेथ पेनल्टी के अलावा वाले अपराध। डेथ पेनल्टी वाले मामलों में धारा 436A लागू नहीं होती है और जिनमें डेथ पेनल्टी नहीं है उन मामलों के लिए ये धारा ये कहती है कि अगर उस मुलजिम ने आधे से अधिक की सजा भुगत ली है तो ऐसी अवस्था में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अब हम ये चर्चा करते हैं कि ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया, क्योंकि ये नई धारा जुड़ी है, 2005 से जुड़ी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न्यायालयों में ये देखा गया कि मुलजिम कई कई सालों तक जेल में पड़े रहते हैं, कई बार तो जितने सजा का प्रावधान है उससे भी ज़्यादा समय तक वो जेल में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके मुकदमों का निपटारा नहीं हो पाता। उसके कई कारण रहते हैं,
लेकिन मुकदमों का निपटारा नहीं रहता। कई बार एक मुलजिम बहुत छोटे से एक्ट में ज्यादा समय काट लेता है। जैसे एक मुलजिम पर धारा 457 380 का आरोप था। अब धारा 457 में अगर चोरी करता है तो 14 साल तक की सजा दी जा सकती है और धारा 380 में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। काफी 2-3 साल से ये व्यक्ति जेल में पड़ा था, इसका कोई वकील वगैरह भी नहीं आता था। जब न्यायालय ने इसका रिव्यू किया, इसकी पूरी फाइल को देखा, तो पता चला कि उस मुलजिम ने रात के अंदर किसी घर में प्रवेश करके एक लोटा चोरी कर लिया था। अब यूं तो धारा बहुत बड़ी है, बहुत सीरियस है कि रात के अंदर किसी घर में चोरी कर लेना बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। लेकिन दूसरी तरफ मुलजिम के एस्पेक्ट से देखा जाए तो चोरी उसने केवल एक लोटे की थी। अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए की चोरी करे तो उसे 14 वर्ष तक की सजा दी जाएगी 457 में और 380 में 7 साल। और अगर लोटा उसने चोरी कर लिया तब भी वही 457 में वही 14 साल और 380 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन न्यायालय को तो तथ्य परिस्थितियां दिख रही हैं कि क्या एक लोटा चोरी करने वाले मुलजिम को भी एक 5 करोड़ वाले मुलजिम के बराबर सजा दी जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए न्यायालय को विवेकीय शक्तियां दी हुई हैं कि न्यायालय अपने विवेक से काम करेगा। तो यहां 436A धारा को इसीलिए जोड़ा गया कि ऐसे छोटे छोटे मामलों में न्यायालय उन मुकदमों का रिव्यू करे, उन मुकदमों की समीक्षा करे और ये देखे कि ऐसे छोटे छोटे जो मुलजिम हैं जिन्होंने बहुत कोई छोटा अपराध किया है, हालांकि बड़ी धारा का उन पर आरोप लगा है, तो उनके मामलों का रिव्यू करके उनको आधी से अगर ज्यादा सजा उन्होंने भुगत ली है तो उनको छोड़ दिया जाए। तो इसलिए धारा 436A का ये प्रोविजन किया गया है और इसमें जब उन्होंने आधे से अधिक की सजा भुगत ली है तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके भी दो राइडर हैं। पहला ये कि इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा और यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि मामला गंभीर है और मुलजिम को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि समीक्षा तो सभी मामलों की होगी। अब मान लो 5 करोड़ वाला मुलजिम है जिसने 5 करोड़ की चोरी की है और उसने आधे से ज्यादा सजा भुगत ली है, तो क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहेगा या क्या न्यायालय का जमीर ये कहेगा कि इस व्यक्ति को आधे से ज्यादा की सजा या आधी सजा इसने भुगत ली है तो इसको छोड़ दिया जाए? न्यायालय कहेगा नहीं, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहेगा नहीं, ये मामला गंभीर है, इसको तो जब तक केस की अन्वीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, इसका विचारण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसको जेल में रखा जाए या इसका विचारण शीघ्र कर लिया जाए, लेकिन जो भी होगा वो निर्णय की स्टेज पर ही होगा, इस स्टेज पर इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहां सुने जाने का राइट दिया गया है। ये पहला राइडर है। दूसरा राइडर ये है कि अगर मुलजिम की गलती के कारण ही मुलजिम जेल में है तो फिर उसको इस धारा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उनको कानून का फायदा, न्यायालय की विवेकीय शक्तियों का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको ही न्यायालय की विवेकीय शक्तियों का फायदा दिया जाना चाहिए, उनको ही कानून का फायदा दिया जाना चाहिए। अब कैसे? जैसे एक मुलजिम ने कोई अपराध किया और वो न्यायालय की कस्टडी से भाग गया, विचारण भुगतने के लिए नहीं आ रहा है और करीब 10 साल से फाइल पड़ी हुई है। अब आप ये पूछेंगे कि फाइल क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि CRPC ये प्रोविजन करती है कि मुलजिम का विचारण मुलजिम की उपस्थिति में ही किया जाएगा, मुलजिम की अनुपस्थिति में उसका विचारण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर मुलजिम भाग गया है तो न्यायालय उस फाइल को बचाकर रखेगा और इस बात का इंतजार करेगा कि जब मुलजिम आएगा तब उसका विचारण प्रारंभ होगा। अब अगर मुलजिम 10 साल बाद आया और फिर न्यायालय ने उसको वापस जेल में डाल दिया
तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को बहुत टाइम हो गया जेल में, अब तो मुझे धारा 436A का लाभ दिया जाए। नहीं, ये इस धारा का दूसरा राइटर ये कहता है कि वो व्यक्ति अपनी ही गलती के कारण जेल में है, वो व्यक्ति कानून की उदारता का या न्यायालय की उदारता का फायदा नहीं उठा सकता। तो इस तरह दो राइडर इस पर लगाए गए हैं, पहला कि वो अपनी ही गलती के कारण जेल में ना हो, और दूसरा ये कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो प्रॉपर मामलों में धारा 436A की पालना की जाएगी, और बाकी जो प्रॉपर मामले नहीं लगते न्यायालय को, उनमें वो व्यक्ति आधे से अगर ज्यादा सजा भुगत ली है तो नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन धारा ये भी कहती है कि किसी भी हालत में अगर टोटल सजा के दौरान जितनी उस धारा के अंदर सजा है और विचारण के दौरान उतने समय तक वो जेल में रह लिया है, तो फिर उसे किसी भी सूरत में जेल में नहीं रखा जाएगा। जैसे धारा 379 IPC में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब अपराध का विचारण होते होते उस व्यक्ति ने 3 साल जेल में काट लिए, लेकिन अपराध की ट्रायल पूरी नहीं हुई, तो धारा ये कहती है कि अब उसे छोड़ना पड़ेगा। तो न्यायालय उस स्थिति में उसके जमानत मुचलके लेकर छोड़ देता है, और उस पर यह भी राइडर नहीं है। मान लो उसका कोई जमानती नहीं है, वो जमानत नहीं दे पाता है, तो धारा ये कहती है कि केवल मुचलका लेकर भी उसको छोड़ दिया जाएगा। मुचलका लिया जा सकता है, क्योंकि जमानत कहाँ से लाएगा? अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कई सालों से जेल में पड़ा है, उसके कोई घर वाले भी नहीं आते, तो वो कहाँ से जमानती लाएगा? वो उसकी जमानत कौन देगा? तो कानून ये कहता है कि ऐसी स्थिति में उसका खुद का मुचलका, उसका खुद का बंध पत्र लेकर भी उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में जितनी उस पर आरोप वाली धारा है और उसमें जितनी सजा प्रेस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। तो ये हमने देखा कि पुलिस कस्टडी रिमांड क्या होता है और उसके क्या प्रोविजंस हैं, कैसे दिया जा सकता है और कितने दिन के लिए दिया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, और इसके लिए हमने CRPC की भिन्न भिन्न धाराओं को भी देखा, और इसमें मेन हमने 3 धाराएं यहाँ देखी हैं, पढ़ी हैं। धारा 57, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस के पास केवल 24 घंटे तक ही मुलजिम को रखने की पावर है, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस की कस्टडी में तब तक नहीं रखा जा सकता जबकि मजिस्ट्रेट आगे के लिए पुलिस कस्टडी के लिए उसे प्राधिकृत न कर दे, और मजिस्ट्रेट भी केवल 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी का डिटेंशन प्राधिकृत कर सकता है, इसके बाद नहीं कर सकता। जुडिशियल धारा 167 हमने देखी कि हम 60 दिन और 90 दिन में पुलिस को चालान पेश करना आवश्यक है। अगर इतनी अवधि में चालान पेश नहीं किया है तो मुलजिम के पास ये राइट उत्पन्न हो जाएगा कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, और धारा 436A के माध्यम से न्यायालय पर भी ये राइडर लगाया गया है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म करे, और अगर आधे से ज्यादा सजा उसने भुगत ली है और फिर भी न्यायालय का ट्रायल खत्म नहीं हुआ है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर गंभीर किस्म का मामला है और APP आपत्ति करता है तो फिर वो संपूर्ण ट्रायल में जेल में रह सकता है। धारा 436 डेथ पेनल्टी के मामलों में लागू नहीं होगी, और उस परिस्थिति में भी ये राइडर दिया गया है कि अगर उसने पूरी सजा के दौरान जेल में बिता ली है वो समय अवधि, तो फिर उसको छोड़ा जाएगा भले ही उसकी ट्रायल कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो। तो ये हमने जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के प्रोविजन पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू।